अंबेडकर नगर पहुंचे प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कांग्रेस भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के राजमंत्री मोहसिन रजा पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के अरसाए में एक मजलिस को संबोधित करने के लिए मौलाना कल्बे जवाद गए हुए थे। उन्होंने मीडिया से बात की, आइए सुनते हैं मौलाना कल्बे जवाद ने और क्या कहा। जो वो दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पाबंदी होना चाहिए, पसंद हमारा महफूज रहना चाहिए, हुकूमत की मुदाखलत होना चाहिए, किसी भी बहाने हुकूमत की मुदाखलत हमारा पसंद लागू नहीं होना चाहिए, ये हमारा बयान है। और इसमें हमारे जो पटोला बोर्ड है उसको भी आगे आना चाहिए, तो हमारे गुरु रहमान को भी सिक्र आगे आना चाहिए, लेकिन हम जो अपना फरीजा है अंजाम देते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है कहीं ना कोई ना कोई निकल कर, चाहे जिन्ना हो चाहे पाकिस्तान हो, अदरवाइज कुछ भी निकल आता है, तो 2019 करीब है, क्या राय देना, क्या सलाह देना चाहेंगे लोग बचने की, क्योंकि ऐसी चीजें निकल के आएंगी जरूर। देखिए, एक जमाना था कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में जब भी इलेक्शन करने की बात था वो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान हमला करने वाला है, हमें याद है, कुछ दिन मौजूद था पाकिस्तान हमला करने वाला, पाकिस्तान हमला करने वाला है, कांग्रेस को बचाओ तो ही मुल्क बचेगा, वो इलेक्शन जीत जाती। किसी तरह राजीव गांधी के जमाने में एक बिंदु मचा गया, पाकिस्तान हमला करने वाला ट्रक ऊपर ट्रक चले जा रहा है, फौज पर फौज, इधर इलेक्शन खत्म हुआ और ट्रक ही नजर आ रहा है, फौज ही नजर आ रहे। तो ये स्ट्रेटेजी होती है इलेक्शन जीतने की, जिसमें कांग्रेस भी इस पर काबू हो जाते हैं, कांग्रेस भी यह कहते हैं कि अपना बहुत ज्यादा, और ये किसी तरह ये भी करते हैं, जैसे कारगिल के वो कारगिल की जमाना है वो आ गया, उसमें इलेक्शन जीत गया, इस तरह से कोई जीत था, कोई ऐसा शोषा छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसे किसी भी चीज में ये देखना चाहिए कि मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की आबादी के लिए, मुल्क को बढ़ाने के लिए, मुल्क के विकास के लिए कौन काम कर रहा है, उसी के लिहाज से वोट देना। मोहम्मद साहब के इलाज से हम लोगों को हासिल हुई और मैं फिर वही अपने साथियों